दीदी को मंदिर से नफरत है, तो चला था जुलूस, देखा था। दीदी को जय श्री राम बोलने से भी नफरत है। मंदिर का दबाव छोड़िए, कोई जय श्री राम बोलता है तो उसके साथ मारपीट हो जाता है। मंदिर से प्यार है किसको? मोदी को, दीदी को। और दीदी को मस्जिद से प्यार है, मंदिर से नफरत है। तब अभिषेक बनर्जी ऐसे गुटा के लेके चल जाता, दीदी बोलते हैं हम तो खाली देखो सैंडल पहन के घूम रहा है और देखो छेना साड़ी पहन के घूमता है। हाँ, और पूरा लपट कर लेके जाता है अभिषेक बनर्जी। मेरा नाम बीके सिंह। कहाँ के रहने वाले? बिहार के। कब से बंगाल, कब से रह रहे? बंगाल 50 साल हो गया। 50 साल हो गया। 50 साल, क्या बदलाव हुआ बंगाल में? बहुत बदलाव है। हाँ? पहले से बहुत बदलाव है। अच्छा हो रहा है? अच्छा नहीं हो रहा बंगाल में, अच्छा नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? यहाँ गुंडागर्दी फैल रहा है बंगाल में, गरीबों को नहीं देखा जा रहा है। ये जो आप बोले क्या दिया हो? हाँ? कितने आदमी को दिया है? रजिस्ट्रेट दिखा सकते हैं आप? जिसको देना उसको नहीं मिला, जिसको नहीं देना उसको मिल रहा। दीदी कहती सबको हम दे रहे हैं, ऐसा आरोप क्यों लगा रहे आप? अरे हमको नहीं मिला अभी तक, तो हम क्या बताएंगे? हमको क्या मिला? हमको, हम भी तो यहाँ के नागरिक हैं। मैं बंगाल के भी नागरिक हूँ, बिहार के भी नागरिक हूँ। दो जगह के नागरिक। हाँ, बिहार में घर है, यहाँ मुठिया मजदूरी करते हैं तो नागरिक ही है। दीदी तो कहती है कि मजदूर भी हमारा साथी है। मजदूर के, मजदूर को क्या दिया? मजदूर का रोजगार छीना है। आज सिंगूर में जो टाटा कंपनी को भगाई है, लाखों युवाओं को बेरोजगार करने में दीदी का हाथ है। आज टाटा सिंगूर होता तो लाखों युवाओं को नौकरी मिलता, लाखों लोगों को रोजगार मिलता, रोजगार का जरिया बनता, लेकिन वो बंगाल के जनता को आत्मनिर्भर बनना देखना नहीं चाहती हैं, जिस वजह से यहाँ कोई भी इंडस्ट्री आना नहीं चाहता है। और देखिए गरीब लोग जो है खुश नहीं, यहाँ पर गरीब लोग खुश नहीं है। क्या भाई साहब क्या कह रहे थे कि आप वहाँ बहुत बढ़िया चल रहा है? हाँ बढ़िया चल रहा है। हाँ मोदी जी को कह रहे हैं बंगाल में इस बार आने नहीं देंगे? आएंगे आएंगे, मोदी जी आएंगे आएंगे, आएंगे जरूर आएंगे। क्या किया मोदी जी? आएंगे, बहुत विकास किया है। विकास किया? हाँ। राम मंदिर बना दिया, उससे बढ़ के क्या? कौन कौन नेता लीडर किया? कोई नहीं किया। अरे भगवान के नाम में अभी सब जय श्री राम करता है तब। अरे यहाँ बंगाल में नहीं करता है? जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कर रहे बंगाल में? क्या मुठियागिरी, मुठियागिरी क्या कर रहे कि मंदिर से क्या हो जाएगा? मंदिर से क्या होगा? मंदिर है, पूजा पाठ करिए, दर्शन करिए, और मंदिर में क्या होना? पुण्य मिलेगा, फल मिलेगा। तेजस्वी यादव का बयान सुने थे? तेजस्वी यादव का बयान रोज ही सुन रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा था कि यहाँ हॉस्पिटल बनाना चाहिए था। हाँ, तो कहा नहीं बना, मंदिर बन गया। मंदिर कई युगों से चला आ रहा है बनने की चिंता उसका, कई युगों से चला आ रहा बनाने का, जो आज मोदी जी ने पूरा किया। कोई पीएम नहीं बनाया आज तक, मोदी जी ने बनाया। अब मथुरा में नंबर आ गया। मथुरा में? हाँ। सिर्फ मंदिर मंदिर बनेगा, रोजगार नहीं चाहिए? रोजगार भी चाहिए। बिना रोजगार का कुछ नहीं होगा, रोजगार तो पहले चाहिए। मंदिर मंदिर बना है, एक मंदिर बनने के पीछे कितने इंजीनियर को काम मिलता है, कितने जो ईटा सप्लाई होते हैं, कितना सीमेंट सप्लाई होता है, कितना कुछ मार्बल सप्लाई होता है। मंदिर के बाहर होटल्स बनते हैं, मंदिर के बाहर दुकान बनते हैं, फूलों के दुकान खुलते हैं, तो ये सब क्या रोजगार का माध्यम नहीं है? ये सब रोजगार नहीं है? ये सब ही रोजगार है। तो आप लोग खाली मंदिर देख रहे हैं कि लेकिन एक मंदिर से कितना लोगों का रोजगार का रास्ता खुल रहा है ये नहीं देख रहे हैं। मंदिर से नफरत है? हाँ। किसको नफरत है? दीदी को नफरत है। दीदी को नफरत है, दीदी को मंदिर से नफरत है। दीदी को जय श्री राम बोलने से भी नफरत है। मंदिर का दबाव छोड़िए, जय श्री राम बोलने से नफरत है। ऐसा क्यों है? अब क्यों है वो बता सकते हैं, मैं क्या बताऊं? वो बता सकते हैं क्यों नफरत है। कोई जय श्री राम बोलता है तो उसके साथ मारपीट हो जाता है। जय श्री राम वाली है। क्या कह रहे थे आप? मंदिर से प्यार है। किसको? मोदी को, दीदी को। और दीदी को मस्जिद से प्यार है, मंदिर से नफरत है।
मस्जिद से प्यार है यार, मंदिर से नफरत है। मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहे दीदी, वो भी ममता बनर्जी जो बम्बन का लड़की है। कहते हैं सब धर्म को साथ में लेके चलते हैं ना भाई। कहाँ धर्म साथ में लेके चलता है, वो तो अपना रोजी रोजी के लिए चलता है। थोड़ी वो सबके लिए चल रहा है, वो अपने लिए चलता है भाई। सिर्फ अपना जो आदमी है उसी को देखते है, दूसरा को भर में जाए। जो मेरा पार्टी में आएगा, सोचिए अभिषेक बनर्जी इतना कम टाइम में इतना करोड़ों का मालिक कैसे बन गया, कभी सोचा है कभी आपने? हाँ, कितना कम टाइम में आके इतना करोड़ों का मालिक बन गया। उससे पहले तो बड़ा बड़ा मंत्री है, वो लोग इतना एसेट नहीं बना पाए जो अभिषेक बनर्जी बना लिया। वो किसके चलते, दीदी का हाथ सर पे है इसलिए बना लिया। दीदी सिर्फ पीछे में है, हम कुछ नहीं है, हवाई चप्पल पहन के घूम रहे हैं और सब अभिषेक गुटा के लेके चल जाता है। सब अभिषेक गुटा के लेके चल जाता है, सब अभिषेक बनर्जी ऐसे गुटा के लेके चल जाता है। दीदी बोलते हैं हम तो खाली देखो सैंडल पहन के घूम रहा है और देखो छेना साड़ी पहन के घूमता है। हाँ, और पूरा लपट के लेके जाता है अभिषेक बनर्जी, पूरा लपट के लेके जाता है अभिषेक बनर्जी। एक बार मौका दे दीजिए ना, दिल्ली जाना है। दिल्ली? हाँ, किसको? दीदी को। दीदी को? हाँ। बर्बाद हो जाएगा, पश्चिम बंगला को खा लिया, पूरा इंडिया को खा लेगा। दिल्ली जाएगा तो पूरा सेंट्रल को खा लेगा, पश्चिम बंगला को तो खा के खत्म कर दिया। अभी दिल्ली जाएगा ना, पूरा इंडिया को खा लेगा। पीछे की सरकार देख लो और हमारी सरकार देख लो, कितना बदलाव आ गया। दीदी कहती है, दीदी तो बोलेगा ही, सब चोर पूछ के रखा है तो बोलेगा नहीं, उसका आगे पीछे तो सब चोर है। मोदी संविधान खत्म कर देगा अगर इस बार आएगा, दीदी कहती है। दीदी तो बोलेगा ही, और मोदी आएगा तो देश में और भी तरक्की बढ़ेगा, तरक्की बढ़ेगा। दीदी रहने से सब बर्बाद हो जाएगा। मोदी पे इतना विश्वास क्यों है आप लोगों को? विपक्ष को नहीं है वो, ऐसा चिप में ऐसा मंत्री है कि जो किया है काम अभी तक कोई नेता नहीं किया है, कोई मंत्री नहीं किया है। क्या कर दिया ऐसा? बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ किया है। देश को बेचते जा रहा है? नहीं, देश को नहीं बेच रहा है, देश को नहीं बेच रहा है, देश को संभल के रखा है। वो अभी है इसलिए जितना संभल के रखा है। दिल्ली से जो भी चाल चावल गम जो भी भेजा ये लोग साला बेच के खा लिया, खा के देखो बहुत एसेट बना लिया। वो अपना बाप का राज है क्या? अपना बाप का पैसा है, खा के सब अपना तिजोरी में भर दिया। नौकरी के लिए चाकरी के लिए आदमी लोगों से पैसा उठा रहा है, खा ले रहा है। क्या दिया है दीदी? बर्बाद कर दिया। अरे बंगाल को क्या नहीं दिया भाई? बर्बाद कर दिया, बर्बाद। जो 26 साल में बामपंथ जो भी किया था ना, वो लोग 34 साल में जो भी किया था चाप के रखा था, अरे लोग तो पूरा लपट के ले रहा है। हाँ भाई साहब आइए, युवा है तो युवा समझ लें। क्या शुभ नाम आपका? शुभम सिंह। शुभम सिंह, क्या कहेंगे सिंह साहब? किस चीज पे? युवाओं के लिए दीदी ने जो काम किया। दीदी ने यहाँ पे कुछ नहीं किया युवाओं के लिए। युवाओं के लिए दीदी ने कुछ नहीं किया है, इसमें कोई किंतु परंतु इफ एंड बट कुछ नहीं है। उन्होंने सिर्फ क्योंकि लोग अगर पढ़ लिख लेंगे या कुछ ज्यादा उनको मतलब मेंटली डेवलप हो जाएंगे तो उनका राजनीति खत्म हो जाएगा। अगर वो ज़्यादा मेंटली डेवलप हो जाएंगे तो उनका राजनीति खत्म हो जाएगा, जैसे कि आप लोग संदेश खाली में देखे शेख राजा। लेकिन लास्ट में क्या उसके साथ मोदी जी ने क्या किया, उनको टान लिया दिल्ली, अब वो जेल में है। ठीक है, तो कह रहे यही तो दीदी कह रही कि यहाँ के पुलिस प्रशासन पे भरोसा नहीं था क्या? इस राज्य को बदनाम करने की तैयारी में है मोदी? नहीं, इसमें बदनामी का क्या है? इतने दिन तक था आप यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं कि वहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे संदेश खाली में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। सब कुछ पता होने के बाद भी क्योंकि वहाँ पे उनका राजनीति रोटी सेकने के लिए जो वहाँ के माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो उनसे कोई पंगा ले नहीं सकती है।